मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 48 रनों से हराते हुए जीत के ट्रैक पर वापसी कर ली है। टूर्नामेंट में ये उसके 4 मैचों में दूसरी जीत है, जिसकी बदौलत वो पॉइंट्स टेबल में रन रेट के आधार पर टॉप में पहुंच चुका है। मैच में मुंबई इंडियंस ने कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 45 गेंदों में 70 रन बनाए, साथ ही मैन ऑफ द मैच कायरन पोलार्ड, जिन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 11 गेंदों में नाबाद 30 रनों की बदौलत 4 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में मुंबई की गेंदबाजी के आगे पंजाब 8 विकेट पर 143 रन ही बना पाए। बुमराह ने शुरुआत कर दी खराब। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब को मयंक अग्रवाल ने शुरुआत तो धांसू दी, लेकिन 5वें और 6ठे ओवर में 2 बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद टीम दबाव में आ गई। 5वां ओवर करने आए बुमराह ने मयंक को बॉल कर दिया। वो 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कृणाल पांड्या ने 6ठे ओवर में करुण नायर को खाता खोलने से पहले ही बॉल कर दिया। पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 39 हो गया। केएल राहुल और पूरन भी चलते बने। करिश्माई फॉर्म में चल रहे केएल राहुल से उम्मीद थी कि वो टीम को आगे तक लेकर जाएंगे, लेकिन युवा स्पिनर राहुल चहर ने पंजाब के कप्तान को क्लीन बॉल करते हुए फैंस के सपनों पर पानी फेर दिया। राहुल 19 गेंदों में 17 रन बनाकर लौटे। हालांकि निकोलस पूरन ने यहां से मोर्चा संभाला, उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाते हुए टीम को 100 रन के पार ले गए, लेकिन वो पैटिसन को कट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों लपक गए। उन्होंने 27 गेंदों में 44 रन बनाए। बुमराह, पैटिसन और चाहर छाए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को राहुल चाहर, जबकि जेम्स निशम को जसप्रीत बुमराह ने आउट करते हुए मुंबई को मैच में हावी कर दिया। रही सही उम्मीद सरफराज के आउट होते खत्म हो गई। कृष्णप्पा गौतम ने आखिरी में 13 गेंदों में 22 रन जरूर बनाए, लेकिन पहाड़ सरी के लक्ष्य को भेद नहीं पाए। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिसन और राहुल चाहर ने 2-2 विकेट झटके, जबकि ट्रेंट बोल्ट और कृणाल पांड्या को 1-1 विकेट मिला। मुंबई इंडियंस की पारी का रोमांच। इससे पहले रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक के बाद आखिरी ओवर में कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकले आतिश के दम पर मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 4 विकेट पर 191 रन बनाए। रोहित 45 गेंद में 70 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पोलार्ड और पांड्या ने मोर्चा संभाल कर मनचाहे अंदाज में चौके छक्के जड़े। दोनों ने सिर्फ 25 गेंदों में 67 रन बनाए। डिकॉक नहीं खोल पाए खाता। गत चैंपियन मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शेल्डन कॉट्रेल ने क्विंटन डिकॉक को खाता भी नहीं खोलने दिया और पहले ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन भेज दिया। पिछले मैच में 1 ओवर में 5 छक्के देने वाले कॉट्रेल ने आज काफी अनुशासित गेंदबाजी की। रोहित ने चौके से पूरे किए 5000 रन। रोहित ने पारी की पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से आईपीएल में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। उनसे अधिक रन विराट कोहली और सुरेश रैना के नाम है। मोहम्मद शमी के ओवर में एम्पायर ने रोहित शर्मा को पग बाधा आउट दिया, लेकिन रिव्यू के बाद फैसला बदलना पड़ा। सूर्य कुमार और ईशान नहीं कर पाए धमाल। दूसरे शोर पर सूर्य कुमार यादव ने कप्तान से प्रेरणा लेकर लगातार 2 चौके लगाए। चौथे ओवर में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई आए, जिनके ओवर में मोहम्मद शमी ने सूर्य कुमार को सटीक थ्रो पर रन आउट कर दिया। पिछले मैच में शानदार 99 रन बनाने वाले ईशान किशन 32 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। यू वर्सेस लॉग ओवर्स में रन। मुंबई का स्कोर 14 ओवर में आखिर में 3 विकेट पर 87 रन था, लेकिन पोलार्ड और रोहित ने रवि बिश्नोई को 15वें ओवर में 1-1 छक्का लगाकर रन गति बढ़ाई। रोहित ने जिमी निशम के फेंके 16वें ओवर में 22 रन बनाए। मुंबई ने आखिरी ओवर में 25 रन बनाए, जब पोलार्ड ने कृष्णप्पा गौतम की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाए। पोलार्ड और पांड्या ने 19वें ओवर में 19 और 18वें ओवर में 18 रन बनाए। इन दोनों के बीच 5 विकेट के लिए नाबाद 67 रनों की साझेदारी हुई। ऐसे ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर एक अपडेट खबर के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपीएल 2020 के हर एक मैच में टीम का प्लेइंग 11, मैच की हाइलाइट्स और ऐसी और भी कई जानकारियाँ मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।